बिहार के सहरसा जिले से एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है, जहां शादी खत्म होने के बाद विदाई के समय दुल्हन को कोई और लड़का अपने साथ बाइक पर बिठा कर ले गया। वहीं दूल्हा इस पूरी घटना को बस देखता ही रह गया। कई दिनों तक जिले भर में ये मामला चर्चा का विषय बना रहा। बाद में पंचायत बुलाई गई, जिसमें मामले को निपटारा हो सका। बताया जा रहा है कि शहर से सटे एक गांव के लड़की की शादी तटबंध के अंदर एक गांव में हुई थी। लड़की और बाराती गाड़ी को तटबंध पर छोड़कर बाइक और पैदल चचरी पुल पार कर दुल्हन के घर पहुंचे। रात भर बारातियों का स्वागत सत्कार होता रहा और पूरे विधि विधान से लड़के और लड़की की शादी की रस्म निभाई गई। शादी संपन्न होने के बाद सुबह की बेला में बारात सहित दूल्हे के साथ दुल्हन की विदाई हो गई। इस दौरान एक पड़ोसी लड़के ने तटबंध पर खड़ी गाड़ी पर बिठाने के लिए दूल्हा और दुल्हन को अपनी बाइक पर बिठाकर लाया, लेकिन बीच रास्ते में लड़के ने दूल्हे को बाइक से उतारा और दुल्हन की साड़ी में बंधी गांठें खोल दुल्हन को लेकर फरार हो गया। दूल्हा बेचारा दंग रह गया। पीछे से बारात पहुंची तो बिना दुल्हन के दूल्हे को कलपाते देख हैरान परेशान हो गई। इस बात की जानकारी फिर दुल्हन के घर को दी गई। आनन फानन में दुल्हन और लड़की की खोजबीन शुरू हुई, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इधर दूल्हे वालों के परिजन नाराज होने लगे हैं। अंत में पंचायत बैठी, काफ़ी मान मनोवल हुआ और फिर दुल्हन के चढ़ावे के जेवर और अन्य सामग्री सहित गाड़ी भाड़ा देकर दूल्हे को बिना दुल्हन के बाराती को विदा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।